India is burning without oxygen. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनम यूसुफ हैशटैग बाबा किशनी और मेरे साथ मौजूद है मेरे पार्टनर हैशटैग मलंगी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक पेज ASMSquads। दोस्तों हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। रात को कुछ फुटेजेस मेरी आंखों के सामने से गुजरी जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने पर। मैंने BBC की कुछ फुटेजेस देखी, आपको हैरत होगी, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, वैसे तो हमें हर खबर होती है इंडिया के बारे में लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो हम तक पहुंच नहीं पाती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, तो वो खबरें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वहाँ पर जो COVID-19 की सिचुएशन है, वैसे तो पूरी दुनिया में कोविड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है लेकिन इंडिया में सूरत हाल तशवीशनाक हद तक ख़राब है। मैंने कई माओं को देखा COVID-19 में कि वो अपने बच्चों के सीने हिला रही हैं, टिटोल रही हैं और उनको आवाज़ दे रही हैं कि बेटा उठ जा। मैंने बापों को देखा है जो अपने बच्चों के लाशें उठा रहे हैं, तो कितनी अजियतनाक सिचुएशन होगी ये। तो इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सरहद पार वो कोई मुल्क है या हम पाकिस्तान है या इंडिया के आपस में हालात कशीदा रहते हैं, आखिर दोनों तरफ मर तो इंसान ही रहे हैं ना, इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। लोगों के पास जगह नहीं है किसी को जलाने के लिए, जो इंडिया में लोग मर रहे हैं शमशान घाट में उनको जलाने की जगह नहीं है। मतलब अगर आपको डेड बॉडी, पहले तो डेड बॉडी नहीं मिलती दो दो दिन तक, और अगर आपको डेड बॉडी मिल जाती है आपके किसी प्यारे की तो आप उसको जला नहीं सकते। मैं नहीं समझती कि इससे ज़्यादा कोई अजियत होगी, क्योंकि इंसान के लिए कहते हैं आखिरी आरामगाह वही होती है, आपकी कब्र हो जाए या जैसे वो इंडियंस हैं वो जला देते हैं, तो आखिरी आरामगाह तो आपकी वही है। और अगर मरने के बाद आपको वो भी नहीं मिल रही तो कैसे ये नामुराद से बीमारी है जिसकी वजह से आपको ये भी नहीं मिल रहा। वहाँ पे अगर मैं आपको सिर्फ स्टैट बताने शुरू करूँ तो आप उस पर हैरान रह जाएंगे। 16.3 मिलियन लोग जो हैं वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं COVID-19 से। अगर डेथ टोल की बात की जाए तो 187K लोग हैं जो वहाँ पे मर चुके हैं COVID-19 से। और फैसिलिटीज़ की तरफ आएँ तो बिल्कुल बुरे हालात हैं वहाँ पे, जो क्योंकि बेसिक जो मसला होता है COVID-19 के अंदर वो आपको होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आपको सांस नहीं आता, सांस लेने में तकलीफ होती है और उसके लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर। तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहे, और अगर मिल भी रहे हैं तो वो 3 टाइम प्राइस पे मिल रहे हैं। यानी एक जो आम आदमी है, जो एक मिडिल क्लास आदमी है या लोअर क्लास का आदमी, उसको अगर COVID-19 हो जाए तो वो सिलेंडर ही अफोर्ड नहीं कर सकता, इट मीन्स वो ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी हवाले से अगर हम जो उसकी परफॉर्मेंस है ओवरऑल इंडिया की देखें कोविड के हवाले से, तो 98 कंट्रीज़ में से 86 पर आ रहा है इंडिया, यानी बहुत वर्स्ट कंडीशन है। ये सूरत हाल इतनी जिसको कहते हैं ना अजियतनाक थी मेरे लिए कि मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर होगी। और अभी मैं मयो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। कुछ पाकिस्तान के अगर मैं आपको स्टैट बता दूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 787K तक केसेज हैं हमारे पास और तकरीबन 17,000 लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। तो इसी के साथ साथ एक और अच्छी बात बताती जाऊँ मैं आपको कि पाक इंडिया के आप वैसे तो हालात अक्सर ही कशीदा ही देखते होंगे लेकिन बड़ा हेल्दी जेस्चर दिया है यहाँ पर एक बड़े खास आदमी ने, जो एधी फाउंडेशन है उनके जो चेयरपर्सन है फैसल एधी साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और उन्होंने कहा है कि COVID-19 की जो इंडिया में बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस लिहाज से उनको अगर कोई भी हेल्प चाहिए पाकिस्तान से या एधी फाउंडेशन से तो वह हेल्प करने को भी तैयार है। तो इसीलिए अभी हम मौजूद हैं मयो हॉस्पिटल में, हमने एक डॉक्टर को लाइनअप किया है जिनका नाम है डॉक्टर वसीम सज्जाद। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, उनसे ही पूछते हैं कि वो सवाल में क्या राय रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम सज्जाद जो मयो हॉस्पिटल में एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ वो पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो पाकिस्तान बराबरी पार्टी के जो कोर कमेटी है उसके मेंबर हैं, इसके साथ साथ वो उनके हेल्थ कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ COVID-19 की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हद तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, जो लोग मर रहे हैं वहाँ पर उनको जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया में बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से हमें सबक हासिल करना चाहिए पाकिस्तान को। अब इंडिया में जो सिचुएशन है, इंडिया में इस टाइम डेली के 3 लाख न्यू कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 3 लाख न्यू कोविड केसेस डेली के रिपोर्ट हो रहे हैं और जो कोविड केसेस से पहले के हैं वो ऐसा सच हैं। तो हर रोज़ 3 लाख नए केसेस जब एक हेल्थ सिस्टम में ऐड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर चीज़ें एग्जॉस्ट होंगी और इंडिया उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी और उनकी प्रायोरिटीज़ में हेल्थ शायद उस लेवल पे नहीं था जहाँ पे एक इतने बड़े पॉपुलेटेड कंट्री को अपने हेल्थ सेक्टर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो उनके यहाँ नहीं थी। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के फ्लॉज बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और अनफॉर्चुनेटली हेल्थ हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। इंडिया को अगर देखें तो इंडिया अपनी GDP का 1.2% हेल्थ पे खर्च कर रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप देखें तो वो 17% खर्च करने के बावजूद कोविड से मुकाबला करने में उन्हें मुश्किलात आ रही हैं।
تو آپ اندازہ کریں کہ ایک کنٹری جس کی 17% جی ڈی پی ہیلتھ پہ جا رہا ہے اور ایک 1.2% انڈیا کا جی ڈی پی ہیلتھ سیکٹر میں صرف جا رہا ہے، تو ایک تو ہماری پرائیورٹیز ہیلتھ ہونی چاہیے جو انفارچونیٹلی نہیں ہے، اور یہی پرابلم پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا جی ڈی پی 1.1%، ڈبلیو ایچ او کے اکارڈنگ تو ہم 1% سے بھی کم جی ڈی پی اپنا ہیلتھ کے اوپر لگا رہے ہیں، تو ہم اپنی پرائیورٹیز میں ہیلتھ کو لے کے آئیں۔ ہم اس مشکل وقت میں انڈین لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنے تمام تر اختلافات بھلاتے ہوئے، اپنی تمام باؤنڈریز کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اس کرائسس کی سچویشن میں ہم انڈیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آگاہ کیا سرحد پار بھی کووڈ 19 کی صورتحال سے اور جو پاکستان میں کووڈ 19 کی صورتحال ہے اس سے بھی ایک ایکسپرٹ کا اوپینین بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ لوگوں کو آگاہی مل سکے کووڈ 19 کے حوالے سے کہ بیسیکلی سچویشن ہے کیا۔ تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے حالات کو بہتر کرے، اس بیماری کو نکال دیں یہاں سے، کیونکہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اور ایک بڑی اذیت ناک سچویشن ہے، اور دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے جب انسانی جانے جاتی ہیں، جب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں اور لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس سچویشن میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہوپس آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہو، اور کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ASMSquads کو بھی کر لیجیے سبسکرائب۔ اسی کے ساتھ انم یوسف بابا کی شیرنی کو دیجیے اجازت، اور میرے پارٹنر #ملنگی کو بھی دیجیے اجازت۔ اللہ نے India is burning without oxygen.